हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल होप सो यू ऑल आर हैप्पी एंड ग्रेट सो बहुत दिन बाद मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो शेयर करने वाली हूँ तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट सो स्किन कैसे स्टार्ट किया है पहले मैंने टोनर लगाया है डाबर का देन हिमालय का ये मैंने रोज़ जेल क्रीम लगाया है ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है और ग्लोई है इसे मैं अच्छे से मसाज करूँगी टू टू थ्री मिनट्स के लिए दैन यू कैन सी द ग्लोद अमेजिंग दैन ब्लू हेवन का मैंने फ्राइमल लगाया है अपने इस्पेशली टीज ऑन एरिया पर मैं अपने नोज़ के बगल में इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरे ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा है देन पॉन्स का बीबी क्रीम आज मैं लगा रही हूँ क्योंकि ये मेरा मॉर्निंग शूट था और मुझे बाहर जाना था तो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप चाहिए नहीं था एकदम अल्ट्रा स्किन टाइप से मुझे ग्लो चाहिए था तो मैंने इसे अच्छे से लगा के ब्लेंड कर लिया सेम मैं अपने नेक साइड में भी करूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी नेक पोर्शन तो मैं बिल्कुल नहीं स्किप कर सकते हो ना ही ईयर्स को क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग दिखता है यार दिन रात दिखता है देन मैं फिटमी का ये कॉम्पैक्ट पाउडर बरसों बाद यूज़ किया है अब मैं यूज़ कर रही हूँ हिलैरे रोड़ा का कंसीलर बहुत ही मिनिमम कंसीलर लगाया है जो कि मेरे फेस से बहुत ज़्यादा मैच करता है देन एक ब्रश के हेल्प से मैं इसे थ्रू आउट माई आइज में इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी देन अगेन कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं सेट कर ले रही हूँ अपने अंडर आइज़ और आईलिड को देन मैंने आज बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप पैलेट यूज़ किया है हिलरे रोड़ा का पैलेट यू कॉन्ट इवन इमेजिन ये जस्ट वन ट्वेंटी रुपीज का है और इसके पिगमेंटेशन इज जस्ट वाओ मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से पहले अपने आईलेट पे रेड कलर को लगाया है देन एक फ्लफी क्लीन ब्रश से मैंने उसके एजेस को अच्छे से मिक्स कर दिया है देन अपने लोअर लैश लाइन में भी उसी सेम ब्रश से मैं अप्लाई करने वाली हूँ देन आउटर कॉर्नर में मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लेके अच्छे से क्रीस से ले मिड क्रीस तक मैंने इसे अच्छे तक अच्छे से ब्लेंड किया है और आउटर साइड ही मैंने इसे फोकस किया है देन एक कोम्ब के हेल्प से मैं अच्छे से अपने आईब्रोज़ को पहले कोम्ब कर लूँगी ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग पार्ट है देन सेम एडीएस के पोमेड पाउडर के पैलेट से मैंने अच्छे से अपने आईब्रोज़ को फिल कर दिया है न एक पेन लाइनर के हेल्प से मैं एक सिंपल विंग लाइनर क्रिएट कर रही हूँ जस्ट लाइक दिस देन मैंने आई लैशेस को कर्ल किया है आई लैश कर्लर से अब है इसे स्टिक करने का बहुत ही हल्का मैंने आई लैशेस वियर किया हुआ था बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखता है ये एंड इट्स अमेजिंग इट्स जस्ट लुक लाइक दिस एकदम परफेक्ट देन सेम मैंने आई शेडो पैलेट से मैंने अपना कंटोरिंग किया है मैंने चीक्स और नोज कंटोरिंग किया है देन सेम ब्लश पैलेट से एंजल रोज के ब्लश पैलेट से वही सेम कलर को मैंने अगेन यूज़ किया और ब्लश पार्ट इज माय ऑल टाइम फेवरेट मतलब ब्लश का लगाना कितना अच्छा लगता है और सेम ही आई शेडो पैलेट से मैंने एक शिमर शेड को पिक किया है उसे अपने चीक्स और नोज़ पे हाइलाइटेड एरियाज पे मैं इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी और ये सुपर पिगमेंटेड है देन मैंने लिप लाइनर लिया है स्विस ब्यूटी का जिसका प्राइस बस फिफ्टी रुपीज़ है पर इसकी पिगमेंटेशन तो बाप रे एकदम कमाल तो मैंने अच्छे से अपने लिप्स को अलाइन किया देन एक ड्रग स्टोर से खरीदा हुआ लोकल लिपस्टिक मैंने लगाया है बट जो इसका रिजल्ट है वो अमेजिंग है कलर भी बहुत सुपर अमेजिंग है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत देर तक चलादारा